विभिन्न क्षेत्र में गुरुत्व दि जाए कृषि कथा कहतु भित्तिमि कथा कहतु शिक्षा कथा कहतु स्वास्थ्य कथा कहतु आम स्वास्थ्य क्षेत्र कथा देखा निश्चित भाव में स्वास्थ्य क्षेत्र उपर गुरुत्व दिखाई जो कथा किस समय पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते मो सहयोगी विक्रम अच्छा विक्रम स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन कौन सब व्यवस्था कर विभूति आप गोटे गोटे सेक्टर को नहीं पोस्टम करें स्वास्थ्य क्षेत्र में देखा हेल्थ सेक्टर में विभिन्न प्रकार योजना व्यवहार कर 10 कोटी परिवार को स्वास्थ्य बीमा ये प्रतिश्रुति सरकार जे 10 कोटी परिवार को स्वास्थ्य बीमा जोगाई देबे वार्षिक 5 लाख टंका पर्यंत बीमा सुविधा रहिबो वार्षिक आम जी देखा 5 लाख टंका पर्यंत बीमा सुविधा नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम पर 1200 कोटी टंकार व्यवस्था कर ये बजेट आम जी नजर पक 24 नुआ सरकारी मेडिकल कलेज ये एक गुरुत्वपूर्ण कथा किंतु ये व्यवस्था कर टीबी रोगी 600 कोटी टंकार पौष्टिक आहार योजना ई व्यवस्था करा निश्चित भाव में ई व्यवराध कर बजेट प्रति मासरे टीबी रोगी पाइबे 500 टंकार सहायता ए व्यवस्था करा बजेट आरंभ हेबो आयुष्मान भारत ई योजना कार्यकारी करने को जाउछंती सरकार देश में 1.5 लाख स्वास्थ्य केन्द्र में मिलिबो मागणा चिकित्सा सुविधा 1.5 लाख स्वास्थ्य केन्द्र में संपूर्ण मागणा चिकित्सा सुविधा मिलिबो 40% अर्थात 50 कोटी लोकों चिकित्सा सुविधा को सरकार बहन करेंगे ये प्रतिश्रुति ये बजेट देखा मिली आप देखिए शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा से 4% को वृद्धि प्रस्ताव रही मेडिकल में निवेश कर वरिष्ठ नागरिक को 50,000 टंकार अतिरिक्त लाभ रही सब प्रकार व्यवस्था करेक्टर विभूति निश्चित भाव में आम ए संपर्क में आलोचना करवा आम सहित अतिथि अच्छा अक्षय बाबू आम जो गोटे गोटे क्षेत्र में आलोचना करें जी स्वास्थ्य क्षेत्र कथा देखा तो सबुबले चर्चा चले जे मौलिक अधिकार जोटा रही गोटे नागरिक रही शिक्षा कथा कहतु स्वास्थ्य कथा कहतु तो से भितर निश्चित भाव कौटना कौटी चिंता कर बजेट गुरुत्व दि जा अक्षय बाबू आप स्वास्थ्य कथा कहले विशेष करी गत यूपीए सरकार बेले ओडिशा एक गरीब राज्य भारत वर्ष रे एक आदिवासी दलित अधिसूचित राज्य जोंटी 40 भाग ऊर्ध एससी एसटी बास करंती प्रायोरिटी बेसी रे गत यूपीए सरकार ओडिशा रे 5टी मेडिकल कॉलेज करैले ता भीतर बलांगीर बारीपदा गत सेशन ने आरंभ हो जाइछि बालेश्वर रे मेडिकल कॉलेज आपणकर बलांगीर मेडिकल कॉलेज एवं बालेश्वर सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एम्स सुपर स्पेशलिटी मेडिकल 450 कोटी टंका व्यवस्था करा गला गत यूपीए सरकार रे जेते बेले श्रीकांत बाबू सेटारे सांसद थिले किंतु आज पर्यंत केंद्र सरकार जानी सुनी सेटी मध्य एम्स सुपर स्पेशलिटी मेडिकल करै दउ नांती से माने षडयंत्र करिकि 5 वर्ष पाखापाखी होगला से बंद कर तेणु से दृष्टि आप मेडिकल कथा कहिबे स्वास्थ्य कथा कहिबे तार उदाहरण होउछि ओडिशा ओडिशा व्यवस्था हे मधे तबले हे पारु नाही तेणु अन्य कथा न कहिबा भलो ठीक कृषि कथा आसे आम सहित प्रदीप पाटसाणी अच्छा न्यूज रूम शेष मतामत ने प्रदीप बाबू अन्न्य कार्यक्रम रही प्रदीप बाबू जे आप कौन कह चाहिए शेष मत ना चाहिए आप कहते रेलवे कथा कहते रेलवे छाड़ी आपय कौन क्षेत्र देखुं जेको क्षेत्र से बाबद कौन मत दवा चाहिए जमी कह मौलिक अधिकार आपंकर स्वास्थ्य हो शिक्षा हो सरकार प्राधान्य देखते बहुत स्वागत योग्य कथा स्वागत कर कथा हूँ सरकारी कर्मचारी अणदेखा हाला भाया लगुच सरकारी कर्मचारी मान डायरेक्ट टैक्स पेयर किसी सुविधा कराई पार बहुत भल आपर गोटे कथा हूँ बेकारी समस्या जो निजुक्ति कथा उठी डायरेक्ट निजुक्ति कथा सरकार हाथ को नहीं था कंट्राक्टर मध्यम निजुक्ति न कर थर्ड मैन हाथ को जो पैसा जाऊँच पुंजीपति हाथ को जो पैसा जाऊँच डायरेक्ट लोक जाता से भल बहुत बहुत धन्यवाद आप रही आप मत दे बजेट संपर्क में किसी प्रतिक्रिया आसुची देखा बजेट संपर्क नो नो इट शुड बी वी ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट दे विल गिव अ जनता बजेट बट इट्स एंटी जनता बजेट वास्तविकता ये है कि पिछले 4 वर्ष में भारत के किसान को इस सरकार से कोई फायदा नहीं मिला है जहां तक एमएसपी का सवाल है एमएसपी इन्होंने वायदा किया था
कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस उस पे 50% देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कहीं पे 4% है, 2%। राहुल सर, राहुल सर, वन रिएक्शन सर, राहुल सर, सर छत्तीसगढ़ आर यू हैप्पी विद बजट? बजट आपके नजर में सर, बजट आपके नजर सर, बजट सर क्या लिखे? राहुल जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी बजट पर। सर आर यू हैप्पी विद बजट? सर 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 बजट, बजट के बारे में आपका क्या कहना है? बजट में क्या खास आपके नजर आया? राज्य सरकार ने पंचायतों का पैसा को निकाल दिया, उस पैसे को राहुल जी अभी रेलवे बजट का पूरा इन डिटेल्स नहीं आया, तो काफी चेंजेस आए हैं, काफी अलॉटमेंट किया है, तो डबलिंग, ट्रिपलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूअल सभी में, सभी का बजट में आए हैं, और बॉम्बे का भी स्पेशल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत, ये काफ़ी अलॉटमेंट हुआ हो रहा है। इसमें ज़्यादा बजट में प्रावधान नहीं, जैसा कि इनके बिगिनिंग में भी इन्होंने कहा था कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट, मजदूरों के लिए, छोटे निवेशों के लिए, छोटे कारोबारों के लिए, सभी लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए देश के विकास के साथ साथ ज़्यादा बढ़ोतरी देने के लिए और सही माने में देश को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए ये बजट है। और ये बजट ऐसा बजट है कि जिसमें नए भारत की जो संकल्पना प्रधानमंत्री जी ने की है, उसी संकल्पना को मूर्त स्वरूप में लाने के लिए जो भी प्रयासों की जरूरत थी उसका सबका प्रावधान पैसा प्रोवाइड करके बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं एक नए देश, नए भारत की तरफ हमारी रफ्तार तेजी से चलेगी, और इसीलिए हर वर्ग को हम समर्थन देने के लिए, वर्क को ज्यादा से ज्यादा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आने लगे काम चल रहा है। एक्सेलेंट बजट सर, ये बजट इस बजट के बारे में कहा जा रहा है चुनावी बजट है, ये चुनावी बजट नहीं है बल्कि देश का एक ऐसा बजट है जिसे कहा जाए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। पहली बार किसी बजट में जो 10 करोड़ परिवार को हेल्थ कवरेज में लिया जाए 5 लाख, उज्ज्वला योजना 8 करोड़ लोगों को लिया जाए, एमएसएमई जो रोजगार देने वाला क्षेत्र है उसको, जो कृषि का क्षेत्र है, ये कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें लोगों के हित का ध्यान नहीं रखा गया है। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का बजट के बारे में आपने कहा जा रहा चुनावी बजट है, विपक्ष क्या कहेगा? ये तो 2014 से बजट जिस ढंग से प्रस्तुत हो रहा है, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, और ये अभी नहीं आगे 5 साल भी आप ऐसे ही महसूस करेंगे। सर क्या कहेंगे सर इस बजट के बारे में? यू नो, आई मस्ट से दैट इट डजंट सीम टू हैव एनी मेजर स्टोरीज फॉर एनी ऑफ अस। We were all expecting some gestures towards agriculture, and some modest gestures have been made in that regard. But otherwise, it was a very surprising mixture of old, ongoing programs being recycled and repeated, some very modest new proposals, no big explosive announcements that might have been expected before an election. A rather modest and somewhat mixed budget. I must say that we had all braced ourselves for something more spectacular in an election year or just before an election year. I don't think that is what anyone is going to find in this budget. I don't even see very much there for voters to be excited about. We thought, for example, that they would give a better deal for the low-income earners in order to get a larger exemption for taxes. That didn't happen. So I can't say there has been very much to celebrate. माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी का बजट भाषण, उसमें जो उन्होंने कृषि के क्षेत्र के बारे में बात कही, शिक्षा के क्षेत्र में जो बात कही और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कही, ये तीनों बात हमने सुनी है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं।
और जो उन्होंने कहा है कि जो लागत खर्च है उस पर कम से कम 50% अतिरिक्त देकर यानी लागत से डेढ़ गुना राशि तय होगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसका ऐलान उन्होंने फिर किया है और इसी हिसाब से उन्होंने कहा कि बाकी फसलों के लिए हम करेंगे। इसको तत्काल लागू करने का उन्होंने ऐलान किया है इस साल से, तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और जहां तक सवाल है आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो एक बात बहुत अच्छी लगी है वो यह है कि 10 करोड़ परिवार में, यानी 10 करोड़ परिवार का मतलब 50 करोड़ लोग, उनको वो मदद करेंगे उन परिवारों को चिकित्सा के क्षेत्र में 5 लाख रुपए तक, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मिश्र प्रतिक्रिया आसुच्छे विभिन्न राजनैतिक दलर नेतांक ठारु, आमे जो कथा आलोचना करूछे विभिन्न क्षेत्र संपर्क आलोचना करथिले, वर्तमान आमे स्वास्थ्य क्षेत्र जदि कथा जदि कहबा, जो कथा कहूथिले नीतीश कुमार जी अछन्ति बिहार मुख्यमंत्री, तांकर कहबा कथा जे केते गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछि, जो 10 कोटी गरीब परिवार को योजना रे शामिल कराइछि, सेमानकु 5 लाख टंकार स्वास्थ्य सहायता मिलिब, निश्चित भाव गोटे बड़ पदक्षेप नैछन्ति। मु टिके आलोचना करबी सुलोचना मैडम, आमे स्वास्थ्य क्षेत्र कथा जदि देखिबा, निश्चित भाव कोटि ना कोटि लोक माने साधारण लोक जो माने वर्तमान स्वास्थ्यटा धीरे धीरे व्ययबहुल हो जाउछि, अधिक समान को खर्चांत हवा पड़ुछि, सेमा निश्चित तार फायदा पाइबे। निश्चित भाव स्वास्थ्य क्षेत्र जदि आमे देखिबा जोटा कि बेसिक नेसेसिटी भीतर आछि लोकंकर, आपण जो मानव सूचकांक देखुछन्ति, जदि स्वास्थ्य क्षेत्र रे उन्नति न होइछि से देश केबे मध्य उन्नत हे परिबनि। तेणु एठि ए जो स्कीम आयुष्मान जो स्कीम करिछन्ति सेथिरे जो भलि भाबरे से कहउछन्ति जे 5 लाख टंका प्रति परिवार को मिलिबो आ एथिरे 10 कोटी परिवार शामिल हेबे, निश्चित भाबरे एटा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप जदि एटा से कार्यकारी करन्ति। आउ मु गोटे कथा कहिबि जे 24 नुआ मेडिकल कॉलेज खोलिबे जो थे कि आपण देखंतु, आ गोटे कथा मध्य कहिछन्ति 1.5 लाख स्वास्थ्य केन्द्र मध्य प्रतिष्ठा करिवार लक्ष्य रखिछन्ति, जो 1.5 लाख स्वास्थ्य केन्द्र रे मागणा चिकित्सा नुआ करिवे एवं सेथरे मागणा सुविधा मध्य जोगेबे। तेणु ये निश्चित भाव गोटे भल पदक्षेप जदि सतरे से करन्ति। आपण जो 24 मेडिकल कॉलेज कथा कहिछन्ति सेथरे ओडिसार भाग रहिब न रहिब अलगा जिनिस, आमे जानिनु से उपरे जेतबेले डिटेल रिपोर्ट मिलिब आमे रिएक्ट करि परिबु, किंतु निश्चित भाव जदि सतरे राज्य सरकार ना केन्द्र सरकार करंती ताले निश्चित एटा गुडे स्वागत योग्य पदक्षेप बोली आमे अमरबाबू कोणापुर। हां निश्चित अमरबाबू गोटे मत नउ चाहबी, मु तो एठी सुनथली आपण स्वास्थ्य क्षेत्र प्रति भारत वर्ष रे ग्रामांचल रे बसवास करथुवा लोकमान को पई बड़ समस्या वर्तमान स्वास्थ्य पई हेलानी, जो जो ढंग रे बड़ व्याधि जो कैंसर लिवर एवं आपणकर किडनी आदि लोकंकर जो भली ढंग रे प्रभावित होचंती लोक माने तांको ट्रीटमेंट करिवा पई लक्षाधिक टंका पड़ुछे, जहाँ कि अफोर्ड करिवा गरीब गुरुवा लोकों पई संभव हो नाही। प्रथम थर स्वास्थ्य क्षेत्र रे एक व्यापक घोषणा करिसंती अर्थमंत्री अरुण जेटली, एवं देश रे 24 नुआ मेडिकल कॉलेज एवं 1.5 लाख स्वास्थ्य केन्द्र रे मागणा चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र लागि 12,000 कोटी टंकार प्रोत्साहन फ्लैगशिप हेल्थ केयर योजना घोषणा, योजन सामिल 10 कोटी माने भारत वर्षर पाखापाखि 45% लोकंकु से ता भितर अंतर्भुक्त करिवार योजना करिछन्ते, प्रति परिवार को माने जो कथा 50 कोटी लोकंकु सुविधा या भितर नवार करिछन्ते, ये गोटे बड़ योजना एवं व्यापक गोटे बड़ वर्ग को स्वास्थ्य सेवा दबा पई सरकारंकर ये जो योजना निश्चित भाव स्वागत योग्य पदक्षेप, एवं प्रति परिवार को 5 लाख टंकार स्वास्थ्य सहायता दबा पई घोषणा करा जाई छी, एवं टीबी रोगीों पर 800 कोटी टंकार स्वतंत्र व्यवस्था, ये निश्चित भाव में भारत वर्षर शेष लोकटे गरीब गुरुवा लोक जो दलित वंचित शोषित लोक को सहयोग दबा भली। ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि, मुटे अक्षय अंकर मतन, अक्षय बाबू आपनकर मतन होय चाहिबे। आपनकु मु प्रथमनु मध्ये कहि छी यूपीए सरकार समय रे जहा प्रोविजन थिला एवं जोथि पई यूपीए सरकार को बदनाम करी एनडीए सरकार आसिला, आसिबा परे आपण स्वास्थ्य कुहंतु शिक्षा कुहंतु रेलवे कुहंतु ये सब क्षेत्र रे आपण जदि देखिबे गत 4 वर्षर स्थिति ये सब क्षेत्र रे केवल कथा रही जाइछि, काम रे किछि हेइ नाही। आपण जदि
एम्प्लॉयमेंट कथा कहिबे जो कथा ता माने आपण कहउछन्ती जो व्यवहारत करा जाय छी स्वास्थ्य क्षेत्र रे तारो किछि फायदा साधारण लोक को मिलिबो नै ए कथा नै किछि मिलिबो नै एथि पई आमे गोटी गोटी देखु छै ये सबुथिरे से